हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सब रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये सब कार्बन रेजिस्टर्स हैं। अब इन सब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला देखो, यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। एक दूसरे का एंड, एक का एंड और दूसरे का एंड ऐसे जुड़ते हैं, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन। और ये है पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे दो पॉइंट सेम रहेंगे और ये रेजिस्टेंस ऐसे करके कनेक्टेड होते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। और जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो पैरेलल में होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके होगा। अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये जो आर इक्विवेलेंट है ये इन सब रेजिस्टेंस का टोटल होता है, सम होता है, यानी कि सबसे बड़ा आर इक्विवेलेंट ही होगा इन सब रेजिस्टेंस में से। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होगा आर इक्विवेलेंट। अब आगे देखो, ये है सीरीज कनेक्शन। सीरीज में दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी सप्लाई है, वोल्टेज वी वोल्ट्स, एंड यहाँ पे करंट है, देखो आई करंट है। तो याद रखना कि सीरीज में क्या होता है, करंट सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस R1 के ऊपर में यहाँ पे है V1, R2 में है V2। अब कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल्स टू होता है I इंटू R1, V2 इक्वल्स टू मेन करंट, मेन करंट होता है I, I इंटू R2, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, R1, R2, R3। यहाँ पे करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, V1, V2, V3। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा मेन करंट I इंटू R1, V2 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R2, V3 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R3। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या है, यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कर इसमें इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, यहाँ पे वी वोल्ट, ये वोल्टेज यानी कि वोल्टेज सेम है पैरेलल में लेकिन करंट डिफरेंट है। ब्रांच में देखो, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है। अब कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R1, I2 इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R2, एंड I3 इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई